हरण कर लिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और लेने के बाद भगवान को लगा कि प्राण ले लिया तो कुछ इसको दे भी दिया जाए। दीन जान ते ही निज पद देना, भगवान ने अपना पद अपना लोक उसको प्रदान किया। उसके बाद गुरु जी भगवान को लेकर के गए, विश्वामित्र जी भगवान को विद्याएं प्रदान करें और यज्ञ करने लगे। सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आए हैं, भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हुए। देखिए यह चौपाई, जब भी कोई उत्सव हो घर में इस चौपाई का पाठ करना चाहिए जरूर। यदि इस चौपाई का पाठ करते हैं तो कोई भी अमंगल नहीं होता है। भगवान धनुष बाण लेकर के हमारी रक्षा करते हैं। हमने जब से अपने सनातन को छोड़ दिया, सनातनी मान्यताओं को मानना कम कर दिया, तभी से हम परेशान हुए। पहले घर बनता था तो घर के बाहर रामायु अंकित ग्रह शोभा वर्ण में जाए, सीताराम जी के भगवान रामचंद्र जी के धनुष बाण बनते थे। आजकल करोड़ों का घर बनाता है व्यक्ति, उसके बाद एक काला कलूटा सा खोपड़ा टांग देता है। बताओ, करोड़ों का घर बनाने के बाद यही टांगने को मिला था? वह हमारी रक्षा नहीं करेगा, हमारी रक्षा भगवान रामचंद्र जी के धनुष बाण करेंगे। इसलिए जब भी नया घर बने तो भगवान का धनुष बाण अंकित करवाइए। रामायुध अंकित ग्रह और नव तुलसी का वृंद तुलसी हो, घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए और सूखी ना हो, हरी भरी हो। कई लोग तो तुलसी जी लगा देते हैं। एक सज्जन के यहां गए, अब ठाकुर जी को भोग लगाना था। हमने पूछा तुलसी जी हैं? हाँ हाँ है। तो कहाँ है? बोले हैं, मैं बाहर कमरे में लगी हुई है। हमने कहा एक पत्ती तुलसी जी की ले आओ, भोग लगाना है। बोले महाराज पत्ती तो नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कम से कम एक साल पहले हमने लगाई थी, सूख गई, पत्ती नहीं है, तुलसी जी है। हमने कहा महापुरुष ऐसे क्या फायदा है, तुम ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा पाओगे। अरे भाई तुलसी का विरवा हो तो उसमें पानी भी दीजिए। नव तुलसी का वृंद कहां, तुलसी का जो विरवा है वह पुराना नहीं होना चाहिए, हरी भरी पत्तियां हो और उससे ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो घर की शोभा भगवान के आयुध से है। और जब भी कोई नया कार्य कीजिए, यही चौपाई जो हम बता रहे हैं ना, इस चौपाई को लिख करके और उसको टांग दीजिए, इसी चौपाई का पाठ करिए। घर में जब भी कोई उत्सव हो इस चौपाई को लगा दीजिए, इस चौपाई का पाठ करिए। आपके घर में जो उत्सव होने जा रहा है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। दो स्वामी जी लिखते हैं, होम करन लागे दोहा क्रमांक 210 की दूसरी पंक्ति।
210 और चौपाई कौन सी? दूसरी। होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान रक्षा करते हैं। सुबाहु और मारी चाय, भगवान ने सुबाहु को अग्निबाण से समाप्त कर दिया, मारीच को बिना फर का बाण मारा। फर का मतलब समझते हैं, बाण का जो नुकीला भाग होता है वो फर है, तो भगवान ने बिना फर का बाण मारा। वह बाण मारीच को उड़ गया, ले कभी नीचे ले जाए, कभी ऊपर ले जाए, कभी दाएं ले जाए, कभी बाएं ले जाए। और मारीच भी सोच रहा था कि हे भगवान यार, तो तुम मार ही दो या छोड़ ही दो, भगवान का बाण ना मार रहा है और ना छोड़ रहा है। सौ योजन समुद्र के उस पार ले जाके मारीच को फेंक दिया, मारा नहीं बाण ने। इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, और उसके पश्चात कुछ दिन भगवान वहां रहे। जनकपुर से निमंत्रण आया, विश्वामित्र जी ने कहा, राम आपने एक यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, एक यज्ञ आप और पूर्ण कर दो। भगवान ने कहा, गुरु जी आदेश करो। कहा, आपने समर यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, अब एक यज्ञ और है जो मिथिला में होना है, और उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। तो समर यज्ञ तो आपने पूरा कर दिया, धनुष यज्ञ और पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा, गुरु जी जैसी आज्ञा आज्ञा। कहा, चलो फिर। तो भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव संतों के संग जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ दूर भगवान चले के मार्ग में एक पत्थर की शिला जो नारी के आकार की है वह हाथ जोड़े प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही है। ये कौन है? गौतम जी की पत्नी, इनका नाम है अहिल्या। और गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं। गुरु जी सोच रहे हैं, अगर इनको कल्याण करना होगा तो मुझे बुलाएंगे, और कल्याण नहीं कराओ करना होगा तो अपने को क्या पड़े। जब गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं, भगवान राम ने देखा। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव। सुनते ही विश्वामित्र जी की आंखों में अश्रु आ गए, तुरंत रुके। कौन है गुरु जी? है ये जो पत्थर की शिला है, यह कौन है? दौड़े दौड़े गुरु जी आए, और गुरु जी ने कहा, राम इनकी ओर तो कोई देखता भी नहीं है, आपने क्यों देखा? भगवान राम ने कहा, क्या करूं गुरु जी, स्वभाव से इतने विवश हैं। मेरा यही तो स्वभाव है कि संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसी की ओर मैं दृष्टिपात करता हूं। जिसकी ओर सब देखना बंद कर देते हैं उसकी ओर से देखना मैं शुरू करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये तो गौतम नारी श्राप बस ऊपर दे चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, और इस बेचारी को श्राप मिला है जिसके कारण यह पत्थर की हो गई है। अब यह आपके चरणों का रज चाहती है, आपके चरणों की धूल चाहती है। भगवान ने कहा, गुरु जी चरणों का धूल ही क्यों चाहती, रज ही क्यों चाहती? गुरु जी ने कहा, राम क्योंकि इसका पतन भी रज से ही हुआ था, पर जिस रज से उसका पतन हुआ था वह रज काम से जुड़ी थी, पर इस रज से इसका उद्धार हो जाएगा क्योंकि यह रज श्री राम से जुड़ी हुई है, इसलिए इससे उद्धार हो जाएगा। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु
रघुवीर। भगवान ने कहा गुरु जी आज मैं भी एक ऋण से उऋण हो जाऊं। गुरु जी ने कहा आप उधार भी लेते हो क्या? लेना देना चलता है क्या आपका? भगवान ने कहा बिल्कुल चलता है। कहा किससे? भगवान ने कहा भक्तों से। मैं किसी से लेता हूं और किसी को देता हूं। एक बार चक्र चलाते हुए भगवान की उंगली में चोट लेते हैं, और जब भगवान की उंगली में चोट लगी तो भगवान की उंगली से रक्त स्राव होने लगा, और जब रक्त निकलने लगा भगवान की जो पटरानियां हैं वह भागने लगी इधर उधर। शोक सत्य भामा की ओ रुक्मणी रोई धारा।